since I fell in love. But after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful. So आपको ये वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है आपके फ़ोन में, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपको पहले टेम्पलेट्स लेना है, ये वाले टेम्पलेट्स कुछ है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना एंड वहाँ से टेम्पलेट्स लेना है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ जाके फॉलो करो, DM करो मुझे वहाँ पे। सो काइंड मास्टर ओपन करना, उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे टाइप करना। न्यू प्रोजेक्ट के बाद 9:16 का रेशियो लेना जो कि इंस्टाग्राम रील का है। उसके बाद मीडिया पे जाना एंड उसके बाद आपको दो फोटो सिलेक्ट करना है, कौन सा भी, मींस ब्राउन एंड ब्लैक टोन चाहिए, मींस ब्राउन डार्क टोन में ही चाहिए ज़्यादा करके फ़ोटोज़। उसके बाद आपको जूम कर लेना, उस फोटो पे जाके वहाँ ऑप्शन पे क्लिक करना एंड बीच के ऑप्शन पे क्लिक करना एंड आपको फ़ोटो का साइज़ बढ़ा लेना है, मींस उसको जूम कर लेना है आपको फ़ोटो को, तो ऑटोमेटिक वो जूम हो जाएगा, देखो आप इसे। उसके बाद टाइप करना एंड जूम, पैन एंड जूम के ऑप्शन पे जाके जूम कर लेना। वैसे सेकेंड फ़ोटो को भी आपको पैन एंड जूम कर लेना है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ। सिंपल है, इतना कुछ मींस ईजी है बहुत, इतना कुछ हार्ड नहीं। तो आपको जूम कर लेना प्रॉपर पूरा वाला एंड जूम करने के बाद आपको राइट क्लिक करना। उसके बाद आपको इसका साइज़ बढ़ाने है कुछ, तो 6:6 या 7:7 कर दो आप, मींस अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको जस्ट कौन सा भी म्यूज़िक आपके हिसाब से, एकदम प्रॉपर वाला म्यूज़िक ले लेना, मींस आप कौन सा भी म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो, आप प्रॉपर वाला एक म्यूज़िक ले लेना एंड ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपको जस्ट म्यूज़िक के हिसाब से आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद एडजस्ट करने के बाद आपको जस्ट एफएक्स पे जाना है। इफेक्ट्स पे आके थर्ड वाला ऑप्शन डिजिटल क्रैश, उसके आके आपको वो यूज़ करना है एंड ये नीचे आएगा तो उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा लेना है, मींस पूरा जूम कर लेना है उस इफेक्ट को एंड स्टार्टिंग के यहाँ पे लगा लेना है, मींस पहले ग्लिच का इफेक्ट आएगा फिर उसके बाद फोटो क्लियर दिखेगा। उसके बाद आपको कट कर लेना है स्टार्टिंग का ऑप्शन को, ओके। एंड उसके बाद अब कुछ ऐसा दिखाई देगा, पहले ब्लर फिर उसके बाद एकदम, उसके बाद आपको जस्ट वहाँ पे कट कर लेना है, एक मीन्स फोटो का ऑप्शन भी आके कट कर लेना है, सीजर के और स्प्लिट के ऑप्शन भी आके, और उसके बाद बीच का ऑप्शन जो दिख रहा है उसके बाद टैप करना है। टैप करने के बाद आपको जस्ट जूम का ऑप्शन आएगा, मीन्स थर्ड ऑप्शन जाने का है, थर्ड ऑप्शन एंड फर्स्ट के ऑप्शन भी आने का है, तो आपको ऐसा कुछ जूम के ऑप्शन भी आएगा एंड आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेने का ऐसे हिसाब से। सो ओके, ये ऐसा है एंड अभी आप वीडियो देखो, पहले ब्लर फिर एक ये आएगा इफेक्ट, फिर प्रॉपर एकदम फोटो आएगा। उसके बाद आपको जस्ट क्या करने का है, लेयर के ऑप्शन पे आने का है, इफेक्ट्स मीडिया के ऑप्शन पे आने का है एंड ये वाला इफेक्ट आपको मेरे से इंस्टाग्राम से ले लेना है, ये वाला इफेक्ट एंड ये वाले इफेक्ट लेने के बाद आपको जस्ट वो इफेक्ट पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड कैची के बाजू में जो ऑप्शन है उसके बाजू में ऑफ के बाजू का ऑप्शन यूज़ कर लेना है। सो ये देखो एंड उसके बाद आपको जस्ट जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आके स्क्रीन के ऑप्शन पे लगा लेना है। अभी ये स्क्रीन के ऑप्शन पे लगा दिया तो इतना कुछ डार्क नहीं दिख रहा है, अगर आपको डार्क दिखाने का है तो फिर उसके लेयर का ऑप्शन पे आके आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एडजस्टमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद सेकेंड का ऑप्शन पे थोड़ा बढ़ा लेना है एंड लास्ट के ऑप्शन पे मीन्स बढ़ा लेना है, मीन्स ऐसे कुछ सेटिंग रखना है आपको एंड आपको एकदम प्रॉपर दिखेगा आपका वो इफेक्ट। इफेक्ट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा एंड ये वाले ऑप्शन भी आप इससे आपको प्लस बीच के ऑप्शन पे आना है एंड फर्स्ट के ऑप्शन पे आके थर्ड के ऑप्शन पे आना है। अब देख लो, फर्स्ट के ऑप्शन पे आके थर्ड के ऑप्शन में आना है एंड राइट क्लिक करना है, तो आपको जैसा एकदम प्रॉपर अच्छे से वीडियो दिखा घूमते हुए, सेकेंड फोटो चेंज हो रहा है तो ये एकदम प्रॉपर हो गया, मीन्स आपको 14 मिनट तक का खींच लेना है, तो आपको वीडियो को थोड़ा जूम कर लेना है 14 तक एंड मीन्स दोनों का भी एकदम प्रॉपर एडजस्टमेंट होना हो जाना चाहिए, तो आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखेगी, मीन्स आपको पूरा एडजस्ट कर लेना है आपके हिसाब से, वीडियो के हिसाब से। उसके बाद आपको इफेक्ट्स में आने का, वापस से नीचे आने का एंड VHS ऑप्शन भी आके आपको VHS ऑप्शन मीन्स नीचे आएगा वापस से लेयर पे, सो VHS के ऑप्शन भी आके आपको पूरा ऑप्शन को ये कर लेना है
जूम कर लेना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में आना है, 30 के अराउंड सेटिंग्स रखना है, 30 के अराउंड सेटिंग्स मीन्स 30-31 ऐसे कुछ सेटिंग्स रखना है। आप ऐसा ये देखो अभी, सो आपको स्टार्टिंग का ऑप्शन थोड़ा सा कट कर लेना है, जहाँ पे आपको लग रहा है जहाँ पे आपने फर्स्ट इफेक्ट डाला था वो ऑप्शन कट कर लेना है, एंड उसके सेकंड के ऑप्शन पे से आपको ये ऐसे कर लेना है। सो अब ये प्रॉपर एकदम ग्लिच वाली इफेक्ट वीडियो की आ रही है, प्रॉपर आ रही है म्यूज़िक के हिसाब से। उसके बाद आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है 1080p पे 30fps पे। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है काइन मास्टर में। सो न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आपको कौन सा प्रोजेक्ट ओपन करना है, 1.1 का मीन्स चौकोन में पूरा। उसके बाद आपको ये मीन्स टेम्पलेट ले लेना है, जो मुझे मैं इंस्टाग्राम पे आपको दे दूंगा, तो जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे से ये टेम्पलेट लो। तो ये टेम्पलेट है कुछ प्रॉपर एकदम मैं किए ला है। उसके बाद आपको मीडिया पे जाना है, एंड आपको जो एक्सपोर्ट वाला वीडियो है वो एक्सपोर्ट वाला वीडियो लेना है, एंड जस्ट इसके सेंटर में लगा लेना है, थोड़ा स्मॉल कर लेना है आपके हिसाब से, आपको एडजस्ट कर लेना है। मीन्स मैं जैसा रख रहा हूँ मीन्स मैं स्मॉल ही रखूँगा बाद में, मीन्स स्मॉल थोड़ा या बिग आपके हिसाब से, आपको जैसे अच्छा लग रहा है वैसे आपको रखना है, बीच में सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद आपको जस्ट एक बार वीडियो प्रेस करना है, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है वीडियो। मीन्स पीछे का टेम्पलेट भी ले लेना है आपको। सो ये सेकेंड स्टेप का टेम्पलेट है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, टेम्पलेट वहाँ से लेना है, तीनों टेम्पलेट्स मैं वहाँ पे दे दूँगा। उसके बाद आपको जस्ट जाना है लेयर के ऑप्शन पे, मीडिया के ऑप्शन पे, एंड ये वाले थोड़े वाला जो टेम्पलेट मैंने बनाया है वो भी मेरे इंस्टाग्राम पे जाके ले लेना। तो इसको प्रॉपर जूम कर लेना, एंड आपको सेंटर का क्लिप आएगा तो आपको एकदम सेंटर पे रखना है, मीन्स प्लस का ऑप्शन आता है बीच में, तो आपको एकदम सेंटर पे रखना है। एंड उसके बाद नीचे आने का, स्क्रोल करने का, एंड आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन आएगा, फिर स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, तो आप ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आके स्क्रीन के ऑप्शन पे आके ऐसा ही टेम्पलेट्स लगा लेना। सो अब ये वीडियो देखो आप, एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा मीन्स स्टार्टिंग का एडजस्ट कर लेना है, स्टार्टिंग को पीछे खींच लेना है, मतलब आपको पहले शूज का दिखेगा फिर आपको आपका मेन जो है वीडियो दिखेगा, एंड लास्ट में भी वैसा ही करना है, मीन्स स्टार्टिंग शूज दिखेगा, एंड उसके बाद ये मतलब पहले टेम्पलेट लगाना है, नीचे से थोड़े वीडियो को शॉर्ट कर लेना है, एंड पीछे से भी एक बार शॉर्ट कर लेना है वीडियो को। मीन्स आपको बता दो पीछे से कैसा, मीन्स पीछे से भी थोड़ा कट कर लेना है वीडियो को, ये देखो मतलब पीछे भी आपको लास्ट में जो बंद हो जाएगा तब शूज दिखेंगे। सो एक टेम्पलेट मुझे इंस्टाग्राम से ले लेना, एंड ये देखो प्रॉपर वीडियो बन गया है, एंड लास्ट में ऐसा शूज़ दिख रहा है, एंड स्टार्टिंग में भी शूज़ दिख रहा है, एंड टेम्पलेट को पूरा लगा लेने का स्टार्टिंग से एंड तक। सो एंड ये वीडियो को सेव कर लेना है 1080p पे